हेलो दोस्तों, कैसा आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों संतरे का जूस का बर्फी। तो आए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने सामग्री में लिया है दोस्तों संतरे का जूस का बर्फी बनाने के लिए। हमें यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर मैं 1.5 गिलास ये संतरे का जूस ले रही हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं 1 गिलास रखी हूँ और आधा गिलास ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये संतरे का जूस मैंने घर में खुद निकाला है दोस्तों। और यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा कटोरी चीनी। चीनी या मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। आधा कटोरी लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का आटा। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है बड़ी सी कढ़ाई और मैंने गैस नहीं चलाया दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर जूस डालेंगे। तो ये रहा दोस्तों 1.5 गिलास संतरे का जूस। अब हम इसमें डालेंगे 1 कॉर्नफ्लोर। तो पहले इसको ये कॉर्नफ्लावर और संतरे का जूस को पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने ये वाला मिलाने वाला ले लिया है दोस्तों, क्योंकि ये छोलने से मतलब जल्दी से मिल नहीं रहते, तो इसको मैंने गुठली ना बने इसलिए मैंने ये वाला ले लिया है। और इसे मैं पहले फेंट लेती हूँ अच्छे से। तो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं चीनी। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं दोस्तों और इसको भी हाई रखेंगे। अब इसको चलाते हैं, हमें यहाँ बंद नहीं करना है, चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने ले लिया है फूड कलर। यहाँ पर मेरे पास रेड वाला था दोस्तों, तो मैं रेड वाला ले रही हूँ। आपके पास अगर वो ऑरेंज वाला है तो आप ऑरेंज वाला ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा नहीं, 1 चुटकी का इस्तेमाल किया है फूड कलर। अब इसको हमें चलाते रहना है कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी कितना समय लगेगा ये अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जब तक ये मतलब बर्फी जैसा मतलब गाढ़ा टाइप ये पेस्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको चलाते रहना पड़ेगा। और बने रहिए हमारे इस वीडियो में दोस्तों, कितना समय लगेगा मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो ये देखिए दोस्तों, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब आज को मैंने कर दिया है मीडियम लो। अब इसको अच्छे से चलाते रहना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों 1/2 कप घी। अब घी को यहाँ पर हम डालते जाएंगे। घी को यहाँ पर हम 1-1 चम्मच करके डालते जाएंगे और इसको चलाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये जब ये घी 1 चम्मच डालेंगे मतलब ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें, तो फिर हमें दोबारा डालना है 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर मेरे साथ मेरी बेटी है घी जो डाल रही, क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ी हुई हूँ और दूसरे हाथ से चला रही हूँ दोस्तों। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया था 1/2 कप घी, तो ये 1/2 कप घी पूरा लग गया दोस्तों। ये देखिए आपको मैं कटोरी दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने लिया था यहाँ पर 1/2 कप कटोरी में घी लिया था, तो ये पूरा लग गया है। अब इसको हमें चलाते रहना पड़ेगा। अब लो आज में हमें इसको चलाते हुए पकाना है वो। तो यहाँ पर अभी समय लगा है दोस्तों 10 से 15 मिनट लग गया है, क्योंकि शुरुआत में हमने आंच को पूरा तेज रखा था और जब ये गाढ़ा होने लगा तो हमने लो कर दिया मीडियम लो में। और फिर इसको हमें चलाते हुए देखिए, घी मैंने पूरा भी डाल दिया, 1/2 कप लिया था उतना। और मतलब ये जैसे जैसे मतलब ये बन करके मतलब बनता है, रेडी हो रहा है बन करके, वैसे वैसे अपना शेप मतलब एक बर्फी जैसा ले लेगा ये। यहाँ पर तो संतरे बुलाए थे ऑरेंज वाला, 2 आते हैं घर में, आते हैं ऑरेंज में आता है, तो बच्चे मेरे खा नहीं रहे थे, बोल रहे थे इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सोचा संतरा नहीं खा रहे बच्चे, तो बच्चों को तो खिलाना तो है। तो मैंने ऐसे मैंने देखा कि उन्हें संतरे का जूस का मतलब बनाया जाए, मतलब हलवा बना दें। तो हलवा तो देखिए, आप हलवा बना दीजिए तो आप बर्फी का शेप दे दीजिए। तो मुझे यहाँ लगा कि उन्हें हम यहाँ पर मतलब जेली जैसा बना दें बर्फी। तो यहाँ पर पता है ऐसे चलेगा दोस्तों कि ये हमारा तैयार हुआ है या नहीं संतरा का बर्फी। तो यहाँ पर देखिए, जितना हमने यहाँ पर घी डाला था 1/2 कप, ये अब ये घी छोड़ने लगा किनारे से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मतलब 4 से 5 मिनट और हम मतलब लो आंच में इसको चलाते हुए अच्छे से हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना मतलब घी छोड़ दिया है, मतलब रेडी हो गया है। और आप चाहे तो इसको इस तरह से भी खा सकते हैं हलवे की तरह, और चाहे तो यहाँ पर मैंने सोचा कि इसको हम मैं बर्फी के शेप देती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये रेडी हो गया है। लेकिन कोई नहीं, अब हमें यहाँ पर दोस्तों
आप कौन सा सिटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगती है दोस्तों, वो भी कमेंट में बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया दोस्तों, ये देखिए संतरे का हलवा या बर्फी जो भी आप बोल सकते हैं, नाम दे सकते हैं इसको आप, वो भी कमेंट में बताइएगा कि इसका मैं क्या नाम रखूं। तो चलिए दोस्तों आप गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दोस्तों, वो जेली खाने वाला नहीं आती है 10 रुपए वाली, वो मैंने यहाँ पर मंगाया है। आप चाहे तो इसके जगह ड्राई फ्रूट का भी आप यहाँ पर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ जेली को इस तरह से नीचे प्लेट में रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं प्लेट में कुछ इस तरह से जेली रख दिया है दोस्तों। आप ये वाला हम संतरे का हलवा रखते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं रख रही हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने चम्मच ले लिया है, इसको अच्छे से हम मतलब रोटी जैसा कर देते हैं, इसको चिकना प्लेन। तो इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर दिया है दोस्तों, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मोटा रखा है। तो अब देखिए अब इसके ऊपर से हम जो थोड़ा सा जेली बचा करके रखी थी, अब उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटका रखने वाला स्टैंड ले लिया है, अब इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है और इसको थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं दोस्तों, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसको छोड़े हुए यहाँ पर हो गया है 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए सेट हो गया है अच्छे से बर्फी के शेप में देने लिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने दूसरी थाली ले लिया है और थाली को इस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से हम पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लिए मतलब पलट लिया है इसको, अब इसको हम शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाकू ले लिया है दोस्तों, अब इसको हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने पूरा कटिंग कर लिया है, अब आपको निकाल करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ में दूसरी प्लेट ले लिया है, अब आपको निकाल करके दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए ये जेली देखिए कितना मतलब घी डालने से ये मतलब सॉफ्टनेस आ गया, इसमें सॉफ्ट हो गया पूरा। तो सारे प्लेट में हम निकाल करके रख लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा मतलब बना हुआ है, ये दोनों तरफ से दिखा रही हूँ मैं आपको। अब इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरी ये संतरे का जूस का ये हलवा चाहे बर्फी आप जो भी बोल सकते हैं, वो मेरा रेडी हो गया है बन करके। तो दोस्तों मेरी ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया है, संतरे का जूस का ये हलवा चाहे बर्फी जो भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पर बर्फी का सेट दिया। तो मेरा ये रेसिपी बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।